क्या ये ठीक है? खून बह रहा है, लगता मर चुका है। गुड डे। एक, दो, तीन, चार, पांच। तैयार रहो, मैं आ रही हूं। ये बेशक मर चुका है। हमें स्टोलमैन को बताना चाहिए, ये सीरियस मामला है। हाँ, जल्दी ही उन्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। मौत का कारण क्या है? मुझे लगता है कि मर्डर किया गया है। काफी खतरनाक मामला है, किसी कमजोर दिल वाले ने नहीं किया होगा। ये बहुत भयानक है। काश ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, काश एक सपना होता। खैर छोड़ो, जाने दो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? एक्सक्यूज मी। थैंक यू। एक मिनट, जरा मुझे इसे लगाने तो दो। ये अच्छा है ना? ये कलर तुम्हारी ब्लू ड्रेस में फिट रहेगा। मॉम प्लीज छोड़िए इसे, मैं प्रिंस रजुमोस्की से बात नहीं करना चाहती। नहीं प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्रिंस का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई। किस प्रपोजल की बात कर रही हैं आप? उन्होंने मुझे प्रपोज नहीं किया वो है। करेंगे ना, आज ही करेंगे। नहीं, मैं उनसे कोई भी बात नहीं करने वाली। उनसे क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, जब वो आपसे शादी के लिए हाथ मांगने आए तो आप मना कर देना। ऐसा नहीं होगा, तुम उन्हें एक मौका तो दो। उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी ना कि आपसे। डीसेंट फैमिली में ऐसा ही होता है, तुम्हें प्रेजेंट करने के लिए बात करनी। मैं ऐसे ट्रेडिशन में बिलीव नहीं करती हूँ, ये सब पुराने फैशन है। एना प्लीज मेरी बात समझो, ये सब बकवास है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं उनकी वाइफ बन सकती हूँ। जब वो तुम्हें ये कहने आएंगे तो तुम उनसे ये बात कह देना, प्रिंस राजुमोस्की और तुम्हारी जोड़ी परफेक्ट है। मामा एना, डिटेक्टिव स्टोलमैन यहाँ बहुत जल्द आने वाले हैं, आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ, मैं उनके बेहद करीब हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। मैं मानकर चलता हूँ कि इस मर्डर की गुत्थी कुछ दिनों में ही सॉल्व हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता, यहाँ कितने अपराध होते रहते हैं। इमेजिन कीजिए, दो हफ्ते पहले हमारी नौकरानी चांदी के बर्तन लेकर भाग गई और मेरे अंकल ने पुलिस कंप्लेन भी की, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। पता नहीं वो कहाँ भाग गई है। आप सच बोल रही हैं? अगर आप चाहें तो इसके बारे में मैं पुलिस से इंक्वायरी ले सकता हूँ। वैसे आप नौकरानी का नाम क्या बताइए मुझे? तातियाना मोल्चनोवा। मैं इसके लिए आभारी रहूंगी। तातियाना मोल्चनोवा, ऑलराइट। तो क्या यहाँ तुम अपने अंकल के साथ रहती हो? वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। मैं दरअसल अनाथ हूँ, जब मैं बच्ची थी तभी उन्होंने मुझे गोद लिया था। बयोजीना पोलिना एंड्रीवीना मेरा नाम है। मिरोनोवा पित्रियोच इवानोविच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, आखिर में डिटेक्टिव आ ही गए। प्लीज तुम मेरा यही इंतजार करो, मैं उनसे अभी बात करके आता हूँ। यहीं रुकना, हाँ मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। दिन दहाड़े गोली मारी गई है,
ऐसा ही लगता है। आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा होगा। जी बिल्कुल। हाँ। या कहो सर, मुझे पता है हत्यारा कौन है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जमैतीन है, उसने पीछे से गर्दन पर गोली चलाई, मैं जानता हूँ। वो अक्सर दिन में ही गोली चलाता है, वो हम में से किसी को नहीं पसंद। हमने इसकी शिकायत भी की थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो कहाँ रहता है? वो उसका घर है। हो सकता है कि गोली आसपास ही कहीं पर हो, जाकर उसे ढूंढो। जी बिल्कुल ढूंढता हूँ। मिले तो मेरे पास लाना। याकोब प्लाटोनोविच, मेरी तरफ से मुबारकबाद। आप और यहाँ पर? मैंने उन्हें सबसे पहले देखा था, मैं इधर से निकल रहा था तभी मेरी नजर उन पर पड़ गई। और ये बात कितने देर पहले की है? यही लगभग आधा घंटे पहले की बात होगी करीब। याकोब प्लाटोनोविच, ये तो अभी तक जिंदा है। जिंदा है? मेरी मदद करो, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। चलो जल्दी चलो। तुम इनके साथ ही रहना, और अगर इनको होश आए तो इनसे सवाल पूछना। जी हाँ। मैं तो यही कहूंगा कि ये बहुत अजीब है, बहुत ही अजीब। मैंने क्योंकि उनकी पल्स चेक की थी तब वो बंद थी। गलती किसी से भी हो सकती है, एक पल के लिए मुझे भी धोखा हो गया था। अजीब है। याकोब प्लाटोनोविच, क्या मैं आपसे एक मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? क्या तात्याना मोल्चोवना केस के बारे में कोई खबर मिली आपको? कुछ बता सकते हैं? पर ये आप क्यों पूछ रहे हैं? अब एक फ्रेंड ने पूछने के लिए कहा था। नहीं अभी तक तो नहीं, पर शायद हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे और हमें ऐना की हेल्प लेनी पड़ेगी। हाँ, ऐना विक्टरोवना को इस समय इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। क्यों, क्या हुआ? प्रिंस ने उन्हें प्रपोज किया है, इसलिए हमारे घर में इस वक्त बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, तो बस ऐसा ही माहौल चल रहा है घर में। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर आपको उसके बारे में कुछ पता चलेगा तो आप मुझे बता देंगे? आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। याकोब सर, वो घर पर नहीं है, गोली चलाने के बाद वो फरार हो गया है, किसी को पता नहीं कहाँ गया। उसे ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। यस सर, चलो। तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन एक मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। सच में? हाँ ऐसा ही हुआ, वो जिंदा है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हॉस्पिटल में? अनबिलीवेबल। ये पुनर्जन्म भी एक चमत्कार की तरह ही है, एक चमत्कार। अमेजिंग है ये। तुम्हारे चेहरे पर अभी उसका असर नजर आ रहा है मुझे। हाँ मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ जो वहाँ अकेला और हेल्पलेस पड़ा हुआ था। नहीं नहीं, एक्चुअली तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, जरूरत से ज्यादा। क्यों ना मैं हम दोनों के लिए एक एक कप और ऑर्डर कर दूं? वैसे तुम्हारी नौकरानी के बारे में अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ भी पता नहीं चल पाया। वैसे इतना तो मैं पता लगा ही लूंगा कि वो जिंदा है या नहीं। थैंक यू सो मच। डोनोविच, हेलो। हेलो सर, कैसे हैं आप? उतना बढ़िया नहीं, लेकिन वो होश में आ गया है। बुलेट बॉडी के तीसरे लेयर तक पहुंच गई और जाकर कैरोटिड ट्रायंगल में कहीं फंस गई। मैं कहीं शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी उस एरिया की जांच नहीं कर सकता हूं। आपने कहा कि फंस गया है, तो क्या आप उसे निकालने जा रहे हो? ये असंभव है। कैरोटिड से आगे बढ़कर ऑपरेशन करना मतलब किसी आदमी को टेबल पर सुलाकर हत्या करने की तरह। और अगर आप नहीं निकालेंगे तो भी तो वो मरेगा। आप सही कह रहे हैं, अब तो किस्मत ही कुछ कर सकती है। हाँ, वैसे कहा जाए तो वैसी पीड़ा से मौत ही बेहतर है। हाँ, मैं क्या कह सकता हूँ, ये अनयूजुअल केस है जिसने मुझे दुविधा में डाल दिया है। ब्लड काफी निकल गया है। अच्छा मुझे ये बताइए कि वो बोल सकता है? उनकी वाइफ अभी उनके साथ है। क्या मैं? आइए। सफाई करवा देना वहाँ पर, सफाई करवा देना। तुम शांत रहो, शांत रहो। हेलो,
मैं इनसे आपका परिचय करा देता हूँ। यह है मिसेस सुचकोवा, एफेंस एंद्रविच की वाइफ। जी मैं हूँ एंतोन एंद्रविच, कोरोबेनिको इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का डिप्यूटी हेड। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके हस्बैंड से बात करना चाहता हूँ। मैं जाऊँ? मैं बाहर हॉल में हूँ। नहीं, तुम घर जाओ और मैंने जो कहा वो करो। मेरे लिए साफ कपड़े ले आना। हाँ जरूर। क्या नाम है आपका? अफांसे एंद्रविच। आप करते क्या हैं? सिटी पोस्ट ऑफिस में कॉलेजिएट सेक्रेटरी हूँ। क्या आपने देखा कि आप पर गोली किसने चलाई थी? नहीं, पता नहीं, वो कौन था नहीं जानता। देखिए प्लीज, क्या आप मुझे सब कुछ बता सकते हैं कि ये सब हुआ कैसे आखिर? मैं रोड पर टहल रहा था, तभी मेरे गले में डंक मारने जैसा महसूस हुआ। क्या आपने गोली चलने की आवाज सुनी? मैंने कुछ शॉट्स सुना। क्या कहा? शॉट्स? यानी कि प्लूरल? मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, सॉरी, लेकिन सब कुछ धुंधला धुंधला सा लग रहा है। मैं समझ गया। क्या आपको पता है कि कोई आपके लिए बद्दुआ करता है कि आप बीमार हो जाए या आपकी मौत हो जाए? क्या आपका कोई दुश्मन है इस दुनिया में? मैं 30 सालों से पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरा अभी तक कोई दुश्मन नहीं है। उसने कुछ दूरी से गोली चलाई थी। अच्छा, आपका मतलब वो गोली आप पर नहीं चलाई, गलती से गोली आपको लग गई। ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, बाद में मिलता हूँ। कोई बात नहीं, हमारी मुलाकात होगी, जल्दी ही होगी। है ना, मैंने अभी अभी एक डेड बॉडी रोड पर देखी। पुलिस आई और पुलिस के आते ही वो जिंदा हो गया। ओ, ऐसा है? मेरा यकीन करो, याकोव प्लातोनविच को जब मैंने कहा तो वो भी सुनकर पीले पड़ गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। क्या कहा आपने? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो तुम्हारे और प्रिंस के बारे में। क्या आपने ऐसा क्यों किया? इट्स ऑल राइट, क्योंकि याकोव प्लातोनविच तुम्हें लाइक करते हैं इसलिए वो पीले पड़ गए। आप वादी विले षड्यंत्रकारी की तरह हैं। प्रिंस ने अभी तक तो मुझे पर्सनली प्रपोज भी नहीं किया है और आपने ये अफवाह फैला दी। तो कोई बात नहीं, उन्हें तकलीफ होने दो ना। क्या यही कहने आप मेरे पास आए थे? ईमानदारी से बोलूं तो नहीं, एग्जैक्टली तो नहीं, मुझे तुम्हारी हेलो की जरूरत है। तुम्हें पता है मैं एक आज बहुत ही शानदार लड़की से मिला और मेरा उसका मिलना उसी घटना की वजह से हुआ, उस मौत की वजह से। उसने मुझसे अपनी भागी हुई नौकरानी के बारे में पता लगाने के लिए कहा कि वो जिंदा है या नहीं। मैं समझ गई। मैं उसे बता सकता था लेकिन बता नहीं सका। लेकिन वो बेहद खूबसूरत है और फिलहाल हेल्पलेस है, तो मुझे लगा कि उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मैं समझ गई, मैं कर दूंगी। गायब हुई लड़की का नाम क्या है? तत्याना मालचनोवा। थैंक यू सो मच एना, मैं परेशान नहीं हुआ क्योंकि मैं समझ गया था कि तुम ये कर सकती हो। आप चाहते हैं मैं ये अभी करूं? आज रात को जब मैं उसे मिलूंगा तो मैं उसे एक्सक्यूज नहीं देना चाहता। समझ गई ना मैं क्या कह रहा हूं? वो अभी तक जिंदा है, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। आओ तात्याना मोलचनोवा की आत्मा, आओ
आओ तात्याना मोचनोवा की आत्मा आओ। क्या हुआ था तुम्हें? तुम कैसे मरी? मुझे जाने दो यहां से, ये झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं लिया है। कौन है वो? खिलौने के पीछे। क्या है खिलौने के पीछे? खिलौने के पीछे। क्या वो मर गई? हाँ, उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। वो कह रही थी कि उसने कुछ भी नहीं लिया है। अच्छा, समझ गया समझ गया। थैंक यू माय एंजल, थैंक यू वेरी मच। पहली बार के लिए इतना ही काफी है, मैं बाद में मिलता हूँ। एना विक्टोरोना, तुमसे बात करनी है। याकूब प्लैटनोविच, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। एक बात पता है, शुक्र है कि सुबह से कुछ भी नहीं हुआ। मैं जानती हूँ कि आप... हाँ, विक्टिम अभी भी जिंदा है। मैं राजू मोस्की से मिलकर आया हूँ। उनके नौकरों को मैंने विजिटर्स की लिस्ट बनाने को बोला है, जिस दिन से एलिस लापता हुई है उस दिन से। हाँ एलिस, मुझे अब भी यकीन नहीं है कि वो लापता है। एक केस बंद होते ही दूसरा गोली चलाने का केस मेरे पास आ गया है। तुम्हारे बारे में कुछ सुना है मैंने। क्या? यही कि तुम्हारी शादी होने वाली है। ये बात आपसे किसने कही? सुना है कि प्रिंस ने तुम्हें प्रपोज किया है। किया है तो उससे क्या? क्या तुमने हाँ कह दिया? अभी तक तो नहीं। मतलब तुम कहने वाली हो? नहीं, मैं... अजीब है। क्या अजीब है? क्या दूसरी लड़कियों की तरह मुझे कोई प्रपोज नहीं कर सकता? नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकता है। और कल से मैं इसी बारे में सोच रहा था, पर अजीब बात यह है कि तुमने इस बारे में मुझे कुछ बताया नहीं। आखिर तुम मुझे कब बताओगी इस बारे में? खैर कोई बात नहीं। याकूब प्लैटनोविच। हाँ। तात्याना मोलचनोवा के बारे में जानते हो? एक नौकरानी जो अपने मालिक के घर से भाग गई थी, दो सप्ताह पहले ही किसी ने रिपोर्ट की थी। वो मर चुकी है। तुम्हें कैसे पता? वो तो वांटेड थी, उसने अपने मालिक के घर से चांदी के बर्तन चुराए थे और भाग गई थी। उसने कसम खाई कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें कैसे पता चला? वो कहां पर है? मुझे ये बात पता नहीं, मैं पूछ सकती हूँ। तो पूछ लो, हम फिर इस बारे में बात करेंगे। पॉलिना, पॉलिना, लगता है फिर कहीं निकल गई है। हेलो, हाउ आर यू मिस्टर बायोटिन? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता मिस्टर डिटेक्टिव। वैसे कोई खास खबर जो आप मुझे बताना चाहते हो, बताइए ना प्लीज। देखिए, हमें कुछ सबूत मिले हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आपकी नौकरानी ने कुछ भी नहीं चुराया। नहीं चुराया? आपके पास ऐसा कौन सा सबूत हाथ लग गया? हमें एक अननोन लेटर मिला है जिसमें ये लिखा हुआ है कि चांदी का बर्तन चोरी नहीं हुआ बल्कि आपके इसी घर में कहीं रखा हुआ है, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। रियली? कहाँ है वो? डाइनिंग रूम में। क्या मैं जा सकता हूँ? ऑफ कोर्स। आइए। काफी अजीब अजीब है ये।
शायद वो इसे ले जाना भूल गई या फिर टाइम नहीं मिला होगा। हाँ, काफी अजीब है ये। क्या आप बता सकते हैं कि किसने इन बर्तनों को पीछे छुपाया होगा? नहीं, कोई नहीं। यहाँ मेरे, पॉलिना और मेरी वार्ड के अलावा कोई नहीं आता। पॉलिना ऐसा नहीं करेगी। वो भला ऐसा क्यों करेगी? मतलब कोई नहीं आता और जाता? नहीं। हाँ, एक सेक्रेटरी था, लेकिन कुछ महीने पहले ही मैंने उसे निकाल दिया। और क्यों? वो बहुत आलसी था। अब तो आपको यकीन आ गया कि आपकी नौकरानी ने सामान नहीं चुराया है? लगता तो नहीं कि वो ले गई है। हालांकि वो पैसे ले गई, लगभग 20 रूबल्स। शायद वो यहां से गांव अपनी फैमिली के पास चली गई। वो वहां पर नहीं है, हमने पता किया है। ये पॉलिना है। पता है डियर, हमें चम्मच मिल गए। डिटेक्टिव स्टॉलमैन को मिले। क्या आपको कुछ आइडिया है कि इनको खिलौनों के पीछे किसने रखा होगा? आप बता सकती हैं? खिलौने के पीछे कौन करेगा ये? हो सकता है तातियाना ने रख दिया हो और बाद में वो भूल गई हो। मुझे भी यही लग रहा है। मैं अब चलता हूं। नौकरानी को ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। कहां चली गई थी तुम? इससे आपको क्या मतलब? जाओ, वो इंतजार कर रहे हैं। ओह नो, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। ये हमारे लिए सम्मान की बात। मामा, एना, एना मेरी बेटी, प्लीज जल्दबाजी मत करो। पहले उनकी बात तो सुनो, फिर हम बैठ के बात कर सकते हैं ना? ठीक है, लेकिन मैं उनकी उम्र के अनुसार उन्हें रिस्पेक्ट दूंगी। हाँ, गुड गर्ल। मेरे मन में जो है मैं बोल दूंगी। बहुत अच्छी बात है। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ, जाकर उनसे बात करो। गुड गर्ल। सुशिकोव मुश्किल से जिंदा है, उसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उसने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी, तो मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट की गोली उससे लग गई। ये केस बंद कर दीजिए। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है एंटोन एंड्रेविच। विक्टिम के बारे में जानकारी लेने के लिए तुम्हें उसकी पत्नी से मिलना होगा। जाकर उनसे बात कीजिए, पोस्ट ऑफिस भी जाइए और पता कीजिए कि वो कैसा आदमी था, कैसा काम करता था, वगैरह वगैरह। उसकी सारी जानकारी हमें इकट्ठी करनी होगी जितना जल्दी हो सके। ठीक है, मैं जल्द ही पता कर लेता हूँ। स्पष्ट है एना, तुम सरप्राइज हो। मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में कभी बात नहीं की। हाँ, आप सच्चाई बताएंगे, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सरप्राइज नहीं हूँ, आपको पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे डाउट हो रहा था। मुझे टॉर्चर किया गया है एना, हमारे बीच का एज डिफरेंस ज्यादा है। क्या सच में मुझे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद करनी चाहिए? मैं उतना यंग नहीं हूं कि तुम्हारे सर पर चढ़ जाऊं, केवल अपनी फीलिंग्स ही बता सकता हूं। इसलिए तुम्हारे पास आने से पहले तुम्हारे पेरेंट्स से मिलकर उनकी राय जानने का निर्णय लिया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। हाँ, मैं आपको समझ सकती हूँ, लेकिन आपको भी मुझे समझना होगा। मेरे लिए रिश्ते में म्यूचुअल फीलिंग सबसे ज्यादा मायने रखती है। एना, फीलिंग का टॉपिक बदलने के लिए मुझे अनुमति दो। देखो, मैं हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ शादी करने के लिए कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारे स्ट्रगल के बारे में पता है। तुम्हारा असामान्य गिफ्ट तुमसे बहुत दूर जा रहा है। समझ जाओ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हें सपोर्ट की जरूरत है। तुम्हें निगलने के लिए वो तुमसे तुम्हारा गिफ्ट दूर ले जा रहा है। तुम्हें बचाने के लिए कुछ होना चाहिए। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, मैं तुम्हें उस खतरे से भी बचाऊंगा जिसके बारे में तुम अनजान हो। मैं तुम्हें एक डिसेंट लाइफ दूंगा, फिर तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट को आगे बढ़ाने का एक मौका मिलेगा। एना, मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसके बारे में एक बार दोबारा सोचो। मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। कभी भी तुम मेरे घर आ सकती हो,
मुझे तुम्हें देखकर खुशी होगी। मुझे क्यों बुलाया है? आखिर तुम कर क्या रही हो? पहेलियां बुझा रही हो? ये बताओ, कटलरी क्यों छुपाई तुमने? क्या तुम्हें मुझसे पैसे कम मिलते हैं? उसे आप ही ने रखा था, भूल गए क्या? आपको नाटक करने की जरूरत नहीं है। निहायत ही वाहियात लड़की हो तुम, चालाक और बेरहम भी। क्या यही सब देखने के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा था? जी हाँ, आपने मुझे बेडरूम में अच्छी तरह से पाला पोसा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने ऐसा किया, पर क्या तुम खुश नहीं थी? तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता पता है? तुम किसी कोठे पर अपना शरीर बेच रही होती। आपके पास जब मैं आई थी तो बहुत छोटी थी, और तभी से मैं नरक में रह रही हूँ। बस बहुत हो गया, आपने क्या डिसाइड किया है? पकड़ो इसे, तुम जीत गई। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, अपना घर, अपनी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ कानून के अनुसार तय करके मैंने साइन कर दी है। मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। अब तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैंने इसमें एक शर्त रखी है, मैं जब तक जीऊंगा तुम कहीं नहीं जाओगी, हमेशा ही यहां मेरे साथ ही रहोगी पॉलिना। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं बूढ़े अय्याश, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं अपनी वसीयत को बदल दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको साइबेरिया भेज दूंगी, वहां आपको मरने में देर नहीं लगेगी। पॉलिना, पॉलिना, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। भूल गई, मैंने तुम्हें हमेशा एक पिता की तरह प्यार किया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती क्या हो? क्या एक पिता बेटी से ऐसा प्यार करता है? तुम चाहे जो भी इल्जाम लगा लो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा ही प्यार करता हूँ और करता ही रहूंगा। झूठे कहीं के, तातियाना के बारे में क्या? पॉलिना, मेरी बात सुनो, मत जाओ। तुम घर से क्यों भागी? मैं घर में हूं। लेकिन वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। दुख होता है, वो बूढ़ा कमीना व्यभिचारी। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? अब ये क्या हुआ? चले जाओ, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं, मैं पुलिस को बता दूंगी। एक्सक्यूज मी, मैं पुलिस वाला हूँ। कौन है? मैं डेप्यूटी डिटेक्टिव हूँ, कोरोबेनिकोव। आज आप मुझे हॉस्पिटल में मिली थी। आ,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे कुछ पूछताछ करनी है। आप किस पर चिल्ला रही थी? वो इस घर के आसपास भटकते रहते हैं, घर में झांकते रहते हैं। अभी उन्होंने मेरी खिड़की पर पत्थर मारा। क्या उन्होंने आपको धमकी दी? नहीं। आप पर ये पत्थर किसने चलाया? पता नहीं, कमीने लड़के हैं, जरूर उन्हें पता चल गया होगा कि मैं अकेली हूँ, हेल्पलेस हूँ, कोई नहीं है मेरा। जी हाँ, मैं यहाँ आपके हस्बैंड के जख्म के बारे में पूछने आया हूँ। जख्म? वो उनकी गलती नहीं है, वो सिर्फ एक हादसा था। उन्हें कोई दोष नहीं दे रहा है, आप चिंता मत कीजिए। हम अपराधी का पता लगाने के लिए सारी डिटेल्स चाहते हैं, इसलिए आपके हस्बैंड के सहयोगी कौन है? सहयोगी? शायद वो उनके कॉलेज कलीग्स होंगे, वो तो एक दूसरे से कब के अलग हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, हो सकता है कोई और जाना पहचाना सा आदमी हो? नहीं। वहाँ कुछ अखबार पड़े हुए हैं, क्या मैं देख सकता हूँ? मुझे रोड पे मिला था, मैं जलाने के लिए लाई। मुझे बताइए, इस घर में सीक्रेट कामों में कौन इन्वॉल्व होता है? मुझे नहीं पता, मेरा नहीं है, वो मुझे रोड पर मिला था ना, और मैं ले आई। आपको पता होगा कि हम लोग मैसेज को आसानी से रिक्रिएट कर सकते हैं और पता लगा लेते हैं कि पेपर से क्या काटा गया है। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं, मुझे आपसे और आपके हस्बैंड से और सवाल करने हैं। ठीक है, गुड बाय। एक पागल लड़की क्या गई और आपने दूसरी अडॉप्ट करने की सोच ली? मैं कुछ समझा नहीं। आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। क्या आपने मिरोनोवा को प्रपोज किया? हाँ किया। आप पागल हो गए हैं? ठीक है, मैं समझ गई। आज के बाद मैं आपको काउंट नहीं करूंगी। मैं कुछ समझा नहीं नीना। एक यंग वाइफ, हनीमून, कौन ध्यान देता है? आपने हनीमून के लिए ऑलरेडी प्लान भी कर लिया होगा, सही कहा ना? नाइस बॉडी बॉडी। स्टॉप इट। मुझे विश्वास नहीं होता, आप इतने घटिया कैसे हो सकते हैं? क्या तुम्हें जलन हो रही है नीना? आप क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? मैं बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ। बिजनेस? हाँ। वो कभी आपके पास नहीं आएगी, आप जो सोच रहे हैं वो कभी नहीं होगा। तुम अपने बारे में भूल रही हो। उसके करीब जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो मैं बता देती हूँ, यहाँ के जेल में आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब क्या करूँ, मैं प्यार में पड़ गया हूँ। भाड़ में जाओ, मैं आपके साथ साइबेरिया नहीं जाने वाली। मैंने सुचिकोव के बारे में पता किया, वो एक मामूली सा पोस्ट ऑफिसर है, लेकिन मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। जरा वो पेपर तो देखिए, उस पेपर से मुझे कुछ पता चला है। हमारा जातोंस के टेलीग्राफ, am I right? अब देखिए, ये आग में जल रहा था, ये देखिए आप, तो मैंने इसे अपने नंगे हाथों से बाहर निकाला। सुचिकोव की पत्नी इसे जलाने जा रही थी। और किस लिए? इसमें से पेपर काटा है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत में है। देखिए, मुझे ये स्प्रिट स्टोव पोस्ट ऑफिस में उसके ड्रॉवर में मिला। रोचक बात यह है कि किसी ने कभी उसे इसका यूज करते हुए नहीं देखा। और इतना ही नहीं, ये देखिए देखिए, एक और न्यूज़पेपर। नहीं नहीं, लेटर। ड्रॉवर में ये भी था, विटनेस के सामने मुझे ये मिला था।
गुड जॉब एंटोन एंड्रेविच, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। सुचकोवा और किस बात के लिए फेमस है? और बात के लिए उसके बॉस के अनुसार वो बहुत ही पंक्चुअल आदमी था, हमेशा टाइम पर आता था और आखिर में जाता था, मेहनत करता था। पोस्ट ऑफिस में वो क्या काम करता था? वो लेटर्स पहुंचाया करता था। तो हो सकता है कि उसने किसी का लेटर खोलकर पढ़ा हो और पढ़ने के बाद ब्लैकमेल करना शुरू किया हो। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। हम सिर्फ गेस कर रहे हैं। फिर वो आदमी जिसे वो ब्लैकमेल करता होगा उसने उससे गोली मारी होगी। या ये भी हो सकता है कि गलती से लेफ्टिनेंट को गोली आकर लग गई हो। वो अज्ञात लेटर भेजा करता था। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हेलो, कहिए। मिस बायोडीना का लेटर है, प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल। मेरे लिए? थैंक यू। वो घर तक आ गए थे, वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैं मर जाऊंगा। मैं भी। वो मुझे मार डालेंगे। हार मत मानना, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपको सुनाई दे रहा है? वो लोग मुझे देख रहे थे। बेशक उन्होंने देखा होगा। तुम उनके साथ मिलने जुलने लगी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम उनसे दूर रहो, वो लोग बेहद शातिर हैं। पुलिस आई थी, न्यूज़पेपर ले गई। मैंने तुमसे कहा था उसे जला देना, इडियट। मुझे टाइम नहीं मिला। बेवकूफ। अगर वो पैसे नहीं देना चाहते हैं तो मास्टर क्या करेगा? अब और कोई चारा नहीं, मैं उसके पास जा रही हूं। इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। हाँ, इधर। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि आप मुझे भूले नहीं। नहीं, भूल कैसे जाऊंगा, ऐसे कैसे भूल सकता हूँ। और वैसे भी अपना प्रॉमिस मैं कभी नहीं भूलता। मुझे पता चला है कि दुर्भाग्यवश तुम्हारी भगौड़ी नौकरानी मर गई। कैसे? ये कैसे हुआ? वो कहाँ गई थी और मर कैसे गई? वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अरे बाप रे, ऐसा लगता है आज रात जल्दी हो जाएगी, राइट? आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे सारी सच्चाई बताएंगे। आप बताएंगे ना? हाँ, बेशक, बिल्कुल। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों? जो भी मसला था तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? बिल्कुल करूँगा, जरूर। बात यह है कि मुझे बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। वो आदमी, वो घायल आदमी मुझे लेटर लिखा करता था और मुझे ब्लैकमेल किया करता था। क्या कहा, वो ऐसा करता था? हाँ, शायद वो औरों को भी ब्लैकमेल किया करता था और उसी में से किसी ने बदला लिया हो। तो इस बारे में तुम्हें पुलिस को बता देना चाहिए था। मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेटर्स बहुत पर्सनल थे और वो उसे अपने घर में रखता था। वो किस मकसद से तुम्हें ब्लैकमेल किया करता था? आप समझ सकते हैं, मेरे अंकल अपने सेक्रेटरी से बहुत जलते थे, उन्होंने उसे निकाल भी दिया था। मैं वो सेक्रेटरी को लिखा करती थी, सुचकोवा मुझे धमकी देता था कि वो लेटर तुम्हारे अंकल को दिखा दूंगा। समझ गया। तो तुम्हें लगता है कि वो लेटर वो अपने घर पर रखता होगा? मुझे यकीन है। ये सब पागलपन है, सभी किसी ना किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो तुमने बताया कि तुम्हारे हस्बैंड लेटर खोलकर उसे पढ़ा करते थे। थैंक्स ऊपर वाले का कि मैंने कभी किसी को लेटर नहीं लिखा। मगर तुम्हारी वार्ड सेक्रेटरी को लेटर लिखा करती थी कि तुम उसके साथ छेड़खानी करते हो। उसने उन लेटर्स में ये भी लिखा था कि तुमने दूसरी नौकरानी तात्याना को नौकरी से निकाल दिया, और क्यों निकाला वो भी लिखा। तुम्हें काफी कुछ पता है। वैसे वो लेटर्स कहाँ हैं? ये हैं। लेकिन मैं तुम्हें नहीं देने वाली, और तुम फोर्स करोगे इसके लिए चेतावनी देती हूँ। तुम चाहते हो मैं ये पढ़ लूँ? शौक से पढ़ सकती हो। अब तुम यही चाहती हो तो उस घटिया इंसान ने तान्या को अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखा है।
वो मेरे कंधे पर सर रखकर रोई और पूछ रही थी कि अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। हाँ, मैं तुमसे बात करना चाहता था। मैंने तुम्हारा कुछ निर्णय एक्सेप्ट कर लिया है, तुम जो चाहोगी वही होगा, लेकिन ये डिसीजन लेने के पहले प्लीज सोचो, तुम अच्छी तरह से सोच लो। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुम्हारे होने वाले हस्बैंड का सरनेम क्या होगा, वो धनी होगा या नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूं और यही मेरी इच्छा है। मैं किसी को तुम्हारे आसपास नहीं देखना चाहता, सिर्फ तुम्हारे साई के। डैड, एक शब्द में बात कहना चाहता हूं, अगर तुम सच में, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं महसूस हो तो प्रिंस ही तुम्हारे लिए बेस्ट जोड़ी हो सकते हैं। डैड, मैं इस बारे में सोचूंगी। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं वो घर कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। कौन सा घर? जिस घर में मुझे टॉर्चर किया गया। कहाँ, किसने तुम्हें टॉर्चर किया? मैं घर जाना चाहती हूँ। माँ, माँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। तान्या हर समय शिकायत किया करती थी, वो हर समय रोती थी, लेकिन मैंने दो दिनों से उसे नहीं देखा। वो घटिया आदमी कहता है कि वो पैसा लेकर भाग गई, लेकिन सच्चाई क्या है मुझे पता है। सारे लेटर्स मुझे दो। गोली की आवाज लोग सुन, कोई नहीं सुनेगा, आसपास कोई घर नहीं है। लेटर मुझे दे दो वरना आई विल किल यू। रुक जाओ, कहां भाग रही हो? मैंने कहा लेटर मुझे दे दो। पोस्ट ऑफिस में आपके ड्रॉअर से हमें स्प्रिट स्टोव मिला है, उसका यूज आप लेटर खोलने में किया करते थे। हमें वो न्यूज़पेपर भी मिला जिसमें आप पेपर कटिंग को चिपकाया करते थे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी सांसें बचाइए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। आप लोगों को ब्लैकमेल किया करते थे, ये सच है? हाँ, करता हूं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? जल्दी ही मैं दूर कोर्ट में खड़ा पाऊंगा, जो शानदार होगा। लेकिन आप मुझे अपनी सच्चाई बता क्यों नहीं देते? मैं आपसे ये सब क्यों बताऊं, उससे क्या फायदा? आपकी वाइफ कैसी है? वो अभी तक जिंदा है, सबको पता है कि आप चाहते हैं कि वो जेल चली जाए। अगर उसके खिलाफ आपको कोई एविडेंस मिलेगा तब ना। उन्होंने कहा कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। ठीक है, किस बारे में बात करनी है? बात तो तात्याना के बारे में है, वो कभी घर नहीं छोड़ेगी। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? उसने मुझे बताया कि जिसने उसे सताया है उसका घर वो कभी नहीं छोड़ेगी। एना, बात को समझने की कोशिश करो, मिस्टर बायोडिन एक सम्मानित और अच्छे नागरिक है। तो क्या, कम से कम तुम उनके घर की तलाशी तो ले सकते हो। तलाशी किस लिए? लाश के लिए। ये इतना आसान नहीं है, पर है ना, मुझे पता है कि तुम गलत नहीं हो सकती हो, इसलिए
ये करना ही पड़ेगा मुझे। तुम्हें चांदी मिली या नहीं? हाँ मिली मुझे है ना, लेकिन उसके आधार पर हम उन्हें सस्पेक्ट नहीं बना सकते। ओके, मैं सब समझ गई। मैं खुद कुछ करने की कोशिश करूंगी। लेकिन क्यों, क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं रहा? वो सिर्फ तुम हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। देखो, एलिस ये लेटर टॉय सोल्जर में मेरे लिए छोड़कर गई थी। इसका मतलब क्या है? ये कोड है जैसा कि वो अपने नोटबुक में लिखती थी। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ और इसे डिकोड करने की कोशिश करूंगा। याकूब प्लेटनविच, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उसका पता लगाओ। आई होप ये तुम्हारी हेल्प करेगी। तुम्हें ये लेटर कब और कहाँ पर मिलाया ना? उसके रूम में उसी दिन। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा तुम्हारे दिमाग में कुछ और बातें चल रही होंगी। प्लीज तुम एलिस को उस हालत में मत छोड़ो, उसका पता लगाओ। उसकी फिक्र सिर्फ तुम्हें और मुझे है। और प्रिंस, क्या उस बारे में कुछ कहना चाहती हो? नहीं,